गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दो काफी इंटरेस्टिंग स्मार्ट वॉचेस के बारे में, जो कि हैं ये आपके सामने फास्टैग की रिवोल्ट FS1 प्रो एंड फायरबोल्ट की एम्परर। दोनों ही न्यू स्मार्ट वॉचेज है, रिसेंटली लॉन्च हुई थी एंड यहाँ पे दोनों का प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा हुआ था, लॉन्च प्राइस वगैरह एंड अभी भी जो प्राइस है काफी मतलब आसपास ही है। तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेज काफी ज्यादा सिमिलर फीचर शेयर करती है एंड यहाँ पे इनका कंपेरिजन तो बनता ही है। सो आज के इस वीडियो में आपको इनका फुल कंपेरिजन देखने को मिलने वाला है काफी सारा अच्छे से। यहाँ पे आपको मेन मेन पॉइंट्स बता दूंगा कि कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस है दोनों ही वॉचेज में। फीचर्स वगैरह आपको डिटेल में जानना है तो इनकी सेपरेट वीडियो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। बाकी ये दोनों स्मार्ट वॉचेस भी मैं सेल कर रहा हूँ खुद से, सो यहाँ पे फास्टैग और ये फायरबोल्ट एम्परर दोनों ही स्मार्ट वॉचेस मैं सेल कर रहा हूँ। अगर आपको बाय करनी है मुझसे कम रेट पे तो आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डीएम कर सकते हैं मुझे। फिलहाल इस वीडियो शुरू करें दोस्तों, लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा एंड स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्ट वॉच में स्क्रीन इंचेस का साइज बताऊँ तो 1.96 इंचेस सेम मिलता है हमें। दोनों में ही हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और यहाँ पे जो बेजल्स वगैरह आप देख सकते हैं दोनों में ही काफ़ी सिमेट्रिक कटआउट दिया गया है बेजल्स का। तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा बड़ी छोटी बेजल नहीं है, दोनों ही डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वाइब्रेंट काफ़ी ज़्यादा है दोनों ही डिस्प्लेस एंड टेक्स्ट वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती आपको देखने में, कोई भी व्यूइंग एंगल्स वगैरह सब कुछ सही है। तो यहाँ पे इस मामले में सब कुछ अच्छा है दोनों ही डिस्प्ले में और दोनों स्मार्ट वॉचेज में एकदम बढ़िया डिस्प्ले दी गई है एमोलेड डिस्प्ले जो है, और दोनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। इसके अलावा दोस्तों यूआई की बात करें तो यूआई स्मूथ काफ़ी ज़्यादा है दोनों स्मार्ट वॉचेज में। हालांकि यहाँ पे जो एम्परर जो फायरबोल्ट की एम्परर स्मार्ट वॉच है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलता है यूआई। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो स्क्रोलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एंड जो फास्टट्रैक की रिवोल्ट S1 प्रो है तो यहाँ पे ये इस तरीके से थोड़ा मतलब इसका भी यूआई अच्छा है, नो डाउट यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है, बस हल्का सा इसके मुकाबले में इसके कंपेरिजन में हल्का सा डिले है और कुछ नहीं, लेकिन ओवरऑल दोनों में यूआई काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। और जो डिस्प्ले की बात करूं तो यहां पे जैसे कि फ्लैट डिस्प्ले हमें मिल जाती है फायरबोल्ट की एम्परर में, हालांकि यहां पे जो आर्क डिजाइन है फास्ट ट्रैक में तो यहाँ पे थोड़ी सी कर्व्ड पैनल आपको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से तो थोड़ा सा कर्व्ड पैनल मिल जाता है जो कि टच करने में ऐसा लगता है आपको 3D डिस्प्ले जैसा, तो इस तरीके से कुछ है, बट ओवरऑल दोनों ही डिस्प्लेस का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। गाइस अब बात करी जाए इनमें बिल्ड क्वालिटी की तो दोनों स्मार्ट वॉचेज में आपको अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बैक पे सबसे पहले आपको दिखाऊँ तो बैक दोनों की प्लास्टिक है, बस फास्ट ट्रैक की थोड़ी मैट फिनिश में, इसकी पूरी ग्लॉसी है, बीच में सेंसर्स लगे हुए सबके और जो चार्जिंग पॉइंट है इसके ऊपर की साइड और इसके नीचे ही साइड है चार, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों स्ट्रैप की बात करी जाए जो फास्ट ट्रैक वाला है इसमें आपको OnePlus Nord वॉच याद है तो उसके जैसा स्ट्रैप दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एंड ये पैटर्न डिज़ाइन वाला है तो काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी है स्ट्रैप की, स्मूथ है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट क्वालिटी का, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये काफ़ी थिक मिल जाती है इसकी जो क्वालिटी है। वहीं पर बात करी जाए एम्परर की तो यहाँ पर फायरबोल्ट ने यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन दिया गया है इस वाले स्ट्रैप में, थोड़ा डेनिम डिज़ाइन दिया गया है इस वाले स्ट्रैप में, बट ओवरऑल है ये सिलिकन गई वही तो, लेकिन क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी है, इसकी थोड़ी सी ज्यादा सॉफ्ट है एज कंपेयर टू फास्ट ट्रैक। एंड दोस्तों डायल की बात करी जाए तो यहाँ पे जो फास्ट ट्रैक की वॉच है FS1 प्रो तो इसमें आपको प्लास्टिक का डायल मिलता है, मतलब प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, पॉलीकार्बोनेट का ये मिल जाती है साइड्स आपको, जो कि मेरे ख्याल से इसके प्राइस के हिसाब से यहाँ पे मेटल होनी चाहिए थी। वहीं पर बात करी जाए फायरबोल्ट की तो यहाँ पर एम्परर में इन्होंने मेटल का ये दिया गया पूरा बिल्ड, तो यहाँ पे मेटल बिल्ड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉलिड डिज़ाइन लगता है और इसकी वजह से इसका जो वेट है थोड़ा सा हैवी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फास्ट ट्रैक की वॉच, तो यहाँ पे इसका वेट हल्का सा हैवी है बिकॉज ऑफ मेटल सरफेस और यहाँ पे प्लास्टिक है तो इस वजह से थोड़ी सी लाइट वेट लगती है आपको। ओवरऑल दोनों ही वॉचेज अच्छी लगती है दिखने में, बस हाँ यहाँ पे एडवांटेज मेटल बिल्ड का फायरबोल्ट के पास है। अब दोस्तों साथ साथ वॉच के फीचर्स की बात कर लेते हैं तो दोनों ही वॉचेस में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे बोल तो बहुत सारे। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ दोनों को आपका कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, यहाँ पे जो डिज़ाइन है दोनों का ही अच्छा है, फास्ट ट्रैक का जो है वो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा सा लुक लेता है, क्लासी सी लुक देता है। एंड वहीं पर बात करी जाए फायरबोल्ट की तो वहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा स्टाइलिश करने की कोशिश करी है तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ओवरऑल दोनों का ही मेरे को सही लगा, UI देखने में काफ़ी सही लगता है एंड जो रिस्पॉन्स वगैरह आपको बताया दिया, बाकी आपको कंट्रोल्स वगैरह ये कुछ मिल जाते हैं, डिटेल में जानना है तो इनकी सेपरेट वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप करते हैं दोनों पे तो यहाँ पे आपको एक तो साइड व्यू मिल जाता है फायरबोल्ट में, तो ये क्विक
मेन्यूज आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं वहीं पे। यहाँ पे आपका पूरा ऐप मेन्यू खुल जाता है लेफ्ट से अगर स्वाइप करते हैं तो ये चीज़ काफ़ी सही लगी मुझे। बाकी यहाँ पे अगर आपको इसमें ऐप मेन्यू खोलना है तो बटन प्रेस करना पड़ेगा आपको ऊपर वाला। और जो इसमें फायरबोल्ट में एडवांटेज है दो बटन्स की, तो यहाँ से ये बैक बटन आपको मिल जाता है बैक बटन करने के लिए, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगी मुझे। एंड यहाँ पे ऐप मेन्यू आप ऊपर वाले बटन से ओपन कर सकते हैं इसका, तो ऐप मेन्यू यहाँ से ओपन हो जाता है। एंड दोस्तों लेफ्ट स्वाइप करेंगे राइट से तो यहाँ पे क्विक कार्ड्स दोनों में ही आपको मिल जाते हैं चलाने को, तो यहाँ पे इस तरीके से आप चला सकते हैं। फायरबोल्ट में आप और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे जो फास्ट ट्रैक है उसका होम पेज पे आ जाता है, आप स्वाइप करते रहेंगे तो होम पेज पे वापस आ जाएगा। नीचे से ऊपर दोनों में करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर खुल जाता है दोनों का ही, जो कि आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में तो फीचर्स के मामले में, वो है यहाँ पे गेम्स और कैलकुलेटर। यहाँ पे आपको फायरबोल्ट एम्परर में कैलकुलेटर मिलता है, गेम्स नहीं मिलती है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। बट आपको गेम्स चाहिए तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक में मिलती है आपको, काफ़ी चार गेम्स मिल जाती है आपको अलग अलग तरह की, जो कि आप इजीली यहाँ पे खेल सकते हैं एंड अच्छे से आप अपने स्कोर वगैरह बना सकते हैं अगर आपको गेम्स खेलनी पसंद है स्मार्ट वॉचेस में। तो ये कुछ डिफरेंस है इनमें फीचर्स के मामले में, बाकी मोस्टली फीचर्स आपको दोनों में मिल जाते हैं। रिंगिंग दोनों में मिल जाती है आपको, नोटिफिकेशंस वगैरह की बेल मिल जाती है, फाइंड माय फोन फाइंड माय वॉच दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे दोनों वॉचेस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी दिखा देता हूँ कैसे चलती है दोनों में। सो गाइज ये है दोनों की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की डिजिटल वाली स्क्रीन। यहाँ पे डिजिटल और एनालॉग दो ऑप्शन मिल जाए आपको, तो डिजिटल में ये है। यहाँ पे जो फायरबोल्ट वाली है उसमें सिर्फ आपको टाइम देखने को मिलता है वाइट फॉन्ट में, वहीं पे फास्ट ट्रैक वाली में आपको टाइम के साथ डेट और डे भी देखने को मिलता है। फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग भी मिलती है वॉच फेस में, मतलब ओवरऑल इस तरीके से आप देख पाएंगे। यहाँ पे एनालॉग वाला वॉच फेस भी आपको दिखाता हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। सो गाइज एनालॉग वाला वॉच फेस आप देख सकते हैं दोनों का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। तो यहाँ पे जो फास्ट ट्रैक वाली है वहाँ पे पॉइंटर्स बने हुए हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर आइडिया लग जाए, एंड वहीं पे जो फायरबोल्ट वाली वहाँ पे पॉइंटर्स नहीं है, तो आपको थोड़ा इस तरीके से ही देखने को मिलता है इसका जो वॉच फेस है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। सो आपको कौन सा पसंद आया कॉमेंट करके ज़रूर बताना। सो अब बात कर लेते हैं मोबाइल ऐप्स के बारे में दोनों ही वॉचेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले फास्ट ट्रैक की बात करूँ तो फास्ट ट्रैक की जो मोबाइल ऐप है आपको फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स देखने को मिल जाती है प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे ही है। और जो फास्ट ट्रैक की जो ऐप है उसका जो इंटरफेस है और यूआई एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मतलब जो एज़ कम्पेयर टू फायरबोल्ट की जो ऐप है उससे कंपैरिजन करें तो फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 Pro की जो ऐप है उसका ज़्यादा बेटर यूआई है, आपको ज़्यादा ईजी होगा अंडरस्टैंडिंग करने में। एंड उसका जो यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है, मतलब काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी है और सिंपल टू यूज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी फास्ट ट्रैक की यूआई में, और फास्ट भी है काफ़ी ज़्यादा। वहीं पर बात करी जाए फायरबोल्ट के बारे में तो फायरबोल्ट एम्परर के साथ आपको ऐप मिलती है फिट क्लाउड प्रो, तो यहाँ पे ये वाली जो ऐप है थोड़ी सी स्लो है एंड इसका जो यूआई है और इंटरफेस है वो भी थोड़ा सा मतलब हेक्टिक है, आपको यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है एंड यहाँ पे क्लीन भी नहीं लगता मुझे इतना। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा फीचर्स तो आप दोनों में ही सेट कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मेरा था वो फास्ट ट्रैक की जो फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ऐप है उसके साथ ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू फायरबोल्ट की जो फिट क्लाउड प्रो ऐप थी एम्परर के लिए। तो गाइज फाइनली अब इन दोनों के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 Pro स्मार्ट वॉच है इसका जो प्राइस है अभी एट द करंट टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 4895 है फ्लिपकार्ट पे एंड 4995 भी है। सो यहाँ पे मतलब 5000 के अराउंड इसका जो प्राइस है, ऑफर्स के बाद आपको 4300 4400 के अराउंड दिखा रहा है। बट यहाँ पे जो फायरबोल्ट एम्परर का प्राइस है वो अभी के फिलहाल अमेजोन पे 4000 रुपये है इस वाली वॉच का। तो यहाँ पे दोनों का ही प्राइस ये है, डिफरेंस है दोनों के प्राइस में अच्छा खासा। बट यहाँ पे आपको कौन सी लेनी चाहिए अब उसकी बात कर लेते हैं। गाइज ये था फुल कंपैरिजन फायरबोल्ट की एम्परर एंड फास्ट ट्रैक की FS1 Pro स्मार्ट वॉच का। तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस के आपको मेजर डिफरेंसेस बता दिए आपको क्या क्या है। प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइस आपको बताया जैसे कि फास्ट ट्रैक की वॉच हमें 5000 के अराउंड मिल रही है अभी एंड फायरबोल्ट वाली हमें 4000 के अराउंड मिल रही है। तो यहाँ पे कौन सी आपको बाय करनी चाहिए, देखो यूआई दोनों में अच्छा खासा है, दोनों में स्मूथ है, बस फायरबोल्ट का थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लगा मुझे चलाने में। उसके अलावा दोस्तों डिस्प्ले की बात करें दोनों में ही तगड़ी डिस्प्ले मिल जाती है आपको, एमोलेड पैनल है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्क्रीन भी दी गई है। बस यहाँ पे जो फर्क है वो है यहाँ पे जो फायरबोल्ट की है उसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता थी और यहाँ पे थोड़ी सी फास्ट ट्रैक में कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है। और यहाँ पे अलग आपको डिफरेंसेस दूसरे ज़्यादा कुछ नहीं मिलते डिस्प्ले के मामले में, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है दोनों में ही, एमोलेड पैनल्स हैं। साइड में बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी दोनों की अच्छी है, यहाँ पे स्ट्रैप दोनों का डिफरेंट है, दोनों की अलग फील है बट हाँ काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड यहाँ पे मेजर डिफरेंस जो आ जाता है वो आता है फायरबोल्ट के अंदर आपको जो मेटल फ्रेम मिल जाता है पूरा यहाँ पे मेटल का फ्रेम दिया गया है, वही यहाँ पे दोस्तों आपको फास्ट ट्रैक में
नहीं दिया गया मेटल का फ्रेम, यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम दिया गया, तो ये चीज़ एक डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से थोड़ी सी बेटर बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है आपको फायर वॉल टेम्परर में। अब ऐप का एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको फास्ट ट्रैक की वॉच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा, तो वो चीज़ आपको पता है। और आफ्टर सेल्स जो मेजर पॉइंट आ जाता है आफ्टर सेल्स सर्विस, तो वो आपको पता ही है फास्ट ट्रैक थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा पुराना ब्रांड है एंड इसके काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो काफ़ी सही रहता है इनके एक्सपीरियंस सर्विस के हिसाब से। बट फायरबॉल भी काफ़ी वेल एंड नोन एस्टेब्लिश ब्रांड है अब, तो इनकी भी सर्विस मेरे ख्याल से ठीक है। सो आप डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको कौन सी बाय करनी है दोनों में से स्मार्ट वॉचेस प्राइस के हिसाब से। अगर आपका बजट टाइट है 4000 तक का ही, तो डेफिनेटली से फायरबॉल टेम्परर आपके लिए काफ़ी एक अच्छी स्मार्ट वॉच है, वरना आपको फास्ट ट्रैक पे जाना है, थोड़ा सा रिलायबल यूआई चाहिए, ऐप का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चाहिए, आपको क्लीन चाहिए एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेटर, मतलब भरोसेमंद जो कहते हैं ट्रस्टेबल सर्विस क्वालिटी चाहिए, तो वो फास्ट ट्रैक के साथ जा सकते हैं थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा के। बट ओवरऑल मेरे को दोनों वॉचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। मेरी पर्सनली फेवरेट फायरबॉल टेम्परर है बिकॉज इसकी जो लुक्स है, इसके स्ट्रैप की जो डिज़ाइन है एंड यहाँ पे जो मेटल बिल्ड क्वालिटी दी गई, यूआई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो वो चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ब्लूटूथ कॉलिंग दोनों में ही अच्छे से वर्क करती है, ब्लूटूथ कॉलिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथली वर्क करती है एंड क्लीन ऑडियो दोनों में ही है, लाउड स्पीकर भी काफ़ी ज़्यादा सही है। तो इस तरह से दोस्तों ये कंपैरिजन था दोनों वॉच का। आप बताइए आपको कौन सी बहुत ज़्यादा बेटर लगी, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में जल्दी ही, टिल देन बाय बाय।